नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नादवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। यहां पर रूपनगढ़ पुलिया के पास में, यहां देखिए, बिना हेलमेट यहां वाहन चलाने वालों का आज चालान किया जा रहा है। और यहां गांधीनगर थाना क्षेत्र से राजेंद्र जी अपनी पूरी टीम सहित यहां पर जो है चालान काट रही है। यहां अभी बहुत सारी गाड़ियों को यहां रोका गया है और उनके यहां चालान बनाए गए हैं। हमारे साथ यहां कुछ पब्लिक भी, हमारे यहां साथ कुछ पब्लिक भी बनी है, ये भी कुछ बोलना चाह रही है। जी बताएं सर, मैं हरिप्रसाद मालागार बोल रहा हूं। यहां पे 95% गाड़ियां बिगर हेलमेट जा रही है, उनको किसी को नहीं रोका जा रहा। हमारे मास्क वगैरह सारे लगे हुए, उसके बाद में रोक के हमारी 1000 रुपये की रसीद काट रहे हैं सर, और काट दी और आत्मवाद 1000 रुपये ले रहे हैं सर। बाकी आप सर, मैं पूर्व पार्षद कन्हैयालाल आजाद बोल रहा हूँ और पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा बोल रहा हूँ। मैं बिना हेलमेट के काम से आ रहा था, मास्क लगाया हुआ था, गाड़ी रोकी, मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब मैं आजाद से माफ कर दो, कल से हेलमेट लगा लेंगे और मास्क वो 3 सवारी नहीं बैठेंगे, लेकिन चालान बना रहे। और जबकि बहुत सारी गाड़ियां सब निकल रही है, 95% निकल रही है सर, सब निकल रही है। यहां पर प्रशासन द्वारा यहां जो है जन जागरूकता करते हुए 5 दिन बीत चुके हैं। जनता को बार बार आगाह भी किया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते मास्क हेलमेट का उपयोग करें, लेकिन जनता की लापरवाही को देखा भी जा रहा है। प्रशासन यहां पर आज मुस्तैदी से खड़ा है, यहां पर चालान भी काटे जा रहे हैं। आज हमारे साथ यहां पर राजेश जी बने हुए हैं, इनसे जानते हैं कि पिछले दिनों से लगातार यहाँ पर जनता को जागरूक करने के बाद भी जो है किस तरीके से लापरवाही हो रही है, और आज इस अभियान को कैसे जारी किया गया है। यहाँ लगातार जो है आवाजाही लोगों की बनी हुई और बिना हेलमेट के बहुत सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। राजेश जी, जी बताएं आज कि किस तरीके से आज कितने चालान कटे हैं और पूर्व में भी सूचना देने के बाद कैसे लापरवाही बरती जा रही है यहाँ लोगों द्वारा। राज्य सरकार द्वारा जो नया अधिनियम लागू किया गया 8 जुलाई से, उसके तहत पहले पब्लिक को समझाइश करी है। लगातार 4-5 दिन से समझाइश कर रहे हैं पेपर के माध्यम से, यहाँ रोड पर आकर भी समझाइश करी है, पेपर में भी निकलवाया है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया सबसे कर रहे हैं। आज हम 3 सवारी और जो बिना हेलमेट वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजेश जी ने बताया कि यहाँ 3 सवारी के जो यहाँ से वाहन निकल रहे हैं उनके चालान बनाए जा रहे हैं, साथ ही बिना हेलमेट के यहाँ से निकलने वाले लोगों का भी यहाँ पर चालान बनाया गया। लेकिन जनता में भी यहाँ रोष देखा जा सकता है कि यहाँ पर जिनके चालान कटे हैं उनका भी रोष बिल्कुल साफ तौर से दिखाई दिया जा रहा है यहाँ पर, कि उनका ये कहना है कि आज पहली बार हमें यहाँ पर जो है इस बारे में जानकारी हुई है कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है, इस वजह से आज हमें आज छोड़ दिया जाए, लेकिन उनका चालान काटा है। और वो चालान की राशि जो थी वो यहाँ पर जो है 1000 रुपये तक का चालान था। तो यहाँ नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश नादवानी, आप देख रहे हैं आगाज की आवाज़। आज प्रशासन द्वारा यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से SP के आदेश पर हेलमेट, यहाँ बिना हेलमेट का यहाँ चालान बनाया जा रहा है और 3 सवारियों का भी यहाँ पर जो है चालान काटा जा रहा है। यहाँ चालान भी बनाए जा रहे हैं, सभी गाड़ियों को, बिना नंबर की गाड़ियों को भी यहाँ रोका जा रहा है, उनके चालान बनाए जा रहे हैं। 3 सवारी जो हैं उनका भी चालान बनेगा, साथ ही साथ बिना हेलमेट के भी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनका भी चालान। हमारे साथ यहाँ पर रूप नारायण जी शर्मा यहाँ पर हैं हमारे साथ में। रूप नारायण जी, आज सर कितने चालान बन चुके हैं? अभी तक 5 चालान हुए हैं। अभी तक 5 चालान बन चुके हैं, चालान बढ़ाए। अच्छा, ये अभी जनता की इतनी समझाइश के बाद भी, SP के आदेश होने के बाद भी अभी भी जनता जागरूक नहीं है, लेकिन आपके द्वारा अभी जो आज ही चालान कट गए हैं? नहीं, समझाइश की जा रही है 2 दिन से, उसके बावजूद भी ये मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। समझाइश की जा रही है लेकिन जनता अभी भी नहीं समझ पा रही है कि हेलमेट लगाना है, गाड़ी का नंबर नहीं है तो गाड़ी नंबर भी लगाना है, 3 सवारी नहीं बैठानी है जी, ये सारी बातें। तो देखा आपने कि किस तरीके से प्रशासन द्वारा समझाइश भी की जा रही है पिछले 2 दिन से, लेकिन अभी भी लापरवाह यहाँ की जनता द्वारा 3-3 सवारियों पर वाहन चलाए जा रहे हैं। यही नहीं, बिना हेलमेट बिना नंबर की गाड़ियाँ भी यहाँ दौड़ रही हैं। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज़, मैं ओम प्रकाश नाजवानी।